जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे। ठीक है, आज हम बताएंगे सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉट हो चुका है, अब डिस्ट्रिक्ट पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये बताएंगे, और हम बताएंगे थर्ड राउंड आपका काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। ठीक, ये सारी जानकारी हम इसमें आज बताएंगे। ठीक है, ये आपकी जी कब की ऑफिशियल साइट पे हम आ चुके हैं। ठीक, इस पे देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है और क्या अपडेट वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए स्क्रॉल करके ऐसे नीचे जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ से दे दिया है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। थर्ड राउंड काउंसलिंग विल बी स्टार्ट 16 सितंबर, यानी 16 सितंबर यानी आज का डेट क्या कर दिए हैं ये बता दिए हैं। ठीक है, वेबसाइट फ्रेंकली टू अपडेट। अपडेट करने का मतलब क्या होता है, यानी थर्ड राउंड का आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा आज से, यानी 16 सितंबर से। ये रात में नोटिफिकेशन आया था और अभी इस लिंक को क्या एक्टिवेट अभी वो सब लोग नहीं किए हैं एक्टिवेट। आज जैसे ये सब ऑफिशियल काम होता है तो ऑफिशियल ऑफिशियल जब लगभग 10 बजे खुलेगा ये 10 बजे। ठीक, तो 10 बजे इस थर्ड राउंड काउंसलिंग का जो लिंक है इसे वो एक्टिव कर देंगे, उसके बाद आप थर्ड राउंड काउंसलिंग कर सकेंगे। अब ये भी बताएंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट थर्ड राउंड काउंसलिंग करा सकते हैं, ये सारी जानकारी इसमें हम बताएंगे। ठीक, चलिए स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए ये लिखा है पहला, यानी इंस्टीट्यूट वाइज कैंडिडेट आफ्टर फर्स्ट राउंड, यानी हर एक यानी इंस्टीट्यूट में कितने फर्स्ट राउंड के बाद कितने लड़के एडमिशन ले लिए हैं, कितने कॉलेज में कितना सीटें बची हैं, ये सारी चीज़ें इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके पॉलीमर #DAC, ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। डॉक्यूमेंट के लिए हम भी वहाँ पर इसमें इस वीडियो में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देख सकते हैं। ठीक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा ये सारी जानकारी। नहीं तो आप देखिए, मान लेते तो वहाँ गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मान लेते डिस्ट्रिक्ट से कम 15-20 किलोमीटर दूर हैं तो आपके लिए दिक्कतें हैं ना। ठीक, इसलिए हम सबको बता देंगे। यानी आप देखिए, यानी सेकेंड राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 15 से 17 यानी सितंबर के बीच में होगा। आज दूसरा दिन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कल भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें क्या लिखा है, अब यहाँ से पैसा जो वापस करने के लिए विड्रॉ वाला वो भी सिस्टम हम बता दिए थे कब वापस होगा ये सारी चीज़ें। ठीक, उसके बाद यहाँ से लिखा है सीट अलाटमेंट, यानी जो रिजल्ट दो यानी सेकेंड राउंड का 2022 का है वो भी अलाट कर दिया गया है। ठीक, अलाट कर दिया गया। अभी देखिए यहाँ से कोई भी थर्ड राउंड का जो लिंक एक्टिवेट अभी नहीं किए हैं, लिंक एक्टिवेट ही हम आपको बताने लगेंगे। ठीक है, कि क्या होगा कैसे होगा सारी चीज़ें जानकारी। ठीक है, आप यहाँ से नीचे से स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको दिखाएंगे अभी यानी कैसे क्या होगा। ठीक, चलिए चलिए इस पे हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, इस पे दिखाने हैं आपको क्या करना है, इसमें आपको उसी को बारे में बताएंगे। ये आपका सेकेंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए, फर्स्ट और सेकेंड थर्ड के लिए इसमें दिया गया है। ठीक, आपका देखिए इसमें सेकेंड तो हो ही गया है। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं आपके सामने। यहाँ से देखिए लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन 11 से 13 के बीच में रजिस्ट्रेशन तो कर ही चुके हैं, सीट अलाट 14 तारीख को उनका सीट अलाट कर दिया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट यानी आपका फीस वगैरह 15 से 17 के बीच में आपको देना पड़ेगा। फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन नहीं समझ में आता तो आप तुरंत बताइएगा, उसके लिए भी वीडियो बना के वहाँ पर तक आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सेकेंड राउंड का जो ऑनलाइन फीस वगैरह होगा वो भी 15 और 17 के बीच में आपको देना पड़ेगा। ठीक, ये थी सीट वगैरह के बारे में। अब थर्ड राउंड कब से स्टार्ट होगा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थर्ड राउंड कौन से, देखिए थर्ड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन जो अभी तक सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड में भाग ही नहीं लिए हैं वो क्या कर सकते हैं, थर्ड राउंड में इंटर कर सकेंगे वही केवल कैंडिडेट। अब देखो क्या दिया, अनरजिस्टर्ड क्वालिफाई स्टूडेंट आप यूपी स्टेट के होना चाहिए, और हमारा इसमें यानी जो चॉइस फिलिंग है वो भी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कॉलेज अनलिमिटेड कर सकते हैं, कितना भी कॉलेज करें। ठीक, एक नहीं हज़ारों कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। देखिए 16/9/2022 से लेकर 18/9/2022 के बीच में ये स्टार्ट होगा।
कब 16/9/2022 से लेकर 18/9/2022 के बीच में होगा, मतलब आज ही से स्टार्ट होगा आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग। थर्ड राउंड काउंसलिंग अभी एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ये जो लिंक आई थी साइट पे दिखाए हैं ये अभी एक्टिवेट नहीं किए हैं, इसे जल्द ही एक्टिवेट कर दिया जाएगा लगभग 8-10 बजे से, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको क्या से यहाँ से देखो सीट अलाट कब होगी थर्ड राउंड का, 19/9/2022, कब 19/9/2022 को आपका थर्ड राउंड का सीट अलाट कर दिया जाएगा, जितने भी कैंडिडेट फ्रीज का ऑप्शन वो किए हैं उसके लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको भी डिस्ट्रिक्ट पे जाना पड़ेगा, कब 20/9/2022 से लेके 22/9/2022 के बीच में, यानी 3 दिन, 20, 21, 22, 3 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक। उसके बाद आपको फीस डिपोजिशन करना है तो 20 से 23 के बीच में हम क्या कर सकते हैं, 20 से लेके 23 के बीच में आप क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट फीस आप फीसना फीस जो 3-3 हज़ार है वो आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ से देखिए क्या दिया है, यहाँ से देखिए सबसे लास्ट वाले पोर्शन में यहाँ जो हम अंडरलाइन करें इसके लिए मान लेते हैं, देखिए आपको क्या करना है, ठीक। जैसे आपको क्या कर दिए 3,000 रुपये दे दिए, आपको कॉलेज अलाट हो गया, कॉलेज फीस भी आप भर दिए, जैसे मान लेते हैं सरकारी आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है, सरकारी कॉलेज मिल गया 12,370 रुपये वो भी आप जमा कर दिए, ये और मान लेते हैं प्राइवेट कॉलेज मिल गया तो उसमें भी आप फिलअप कर दिए फीस, तो वो सब चीज़ कैसे वापस होगा, तो वो देखो कर दिया यानी एडमिट सीट विड्रॉ जो पैसा वापस होगा वो आपका नीचे यहाँ पर दिया दिया 11/9/2022 से लेकर 23/9/2022 के बीच में आप अप्लीकेशन डाल सकते हैं। इस पर भी हम वीडियो एक बना दिए हैं कि यानी कब आपका पैसा वापस होगा और कैसे होगा ये सारी जानकारी, ठीक। ये थी जानकारी थर्ड राउंड के बारे में, ठीक। और थर्ड राउंड जैसे ही सीट अलॉटमेंट का एक्टिव होगा साइट, उसे हम आपको तुरंत अपडेट करा देंगे, ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्त।